हरियाणा के रेवाड़ी में काफी लंबे समय से व्यापारियों से लूटपाट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया है। और ऐसा ही एक मामला सामने रेवाड़ी से ही आया है, जहां एक कपड़ा व्यापारी कपड़ों से भरा एक बैग किसी को देने जा रहा था, तो पीछे से आए बाइक सवार तीन बदमाशों ने पेशकश से हमला कर दिया और उसी दौरान वो घायल हो गए। व्यापारी ने किसी तरीके से अपनी जान और जेब में रखे 1 लाख रुपए तो बचा लिए, लेकिन हजारों रुपए के कपड़ों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। शिकायत के बाद जांच में जुटी रेवाड़ी पुलिस ने तीन बदमाशों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें आपको ये कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।